सिंगर पूजा भोज वही पत्थर। हर हर महादेव, जय बाबा वैजनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक नए वीडियो में। बहुत ही दिनों के बाद आज हम वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं बाबा वैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर बाबा मंदिर में। अभी हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाएंगे बाबा मंदिर में जो भव्य आरती होता है, संध्या रोज 7 बजे स्टार्ट होता है, तो उसकी आरती का आप लोगों को आज हम वीडियो दिखाने वाले हैं। आज शुक्ल पक्ष दशमी के दिन शनिवार 3 दिसंबर का आज दिन है, तो आज के दिन में आप लोगों को हम यहाँ पे आरती दिखाने वाले हैं। अभी आरती का जो है तैयारी हो रहा है। यहाँ पे आरती जो है 7 बजे स्टार्ट होती है और 7:20 तक ये आरती चलती है। रोज़ शाम को संध्या 7 बजे होती है। 5 पंडितों के द्वारा यहाँ पे आरती किया जाता है। आप लोगों को हम यहाँ पे दिखाते हैं कि आरती के लिए कितना भीड़ लगता है शाम को और कैसे यहाँ पे तैयारी किया जाता है। तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे 5 पंडित मिलके यहाँ पे आरती करते हैं और यहाँ से सारे यात्री लोग जो हैं, जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, यहाँ पे मंदिर प्रांगण में यहाँ पे खड़े होके सबको ये आरती देखते हैं और यहाँ पे ढोल नगाड़ा जो है बज के यहाँ पे संध्या की आरती होती है। ये सब जितना है सामग्री आप लोगों को ये सब आरती का दिया गया है। माइक के द्वारा मंत्र उच्चारण होता है, मंत्र उच्चारण से यहाँ पे संध्या आरती होती है बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की। तो आप लोगों को हम यहाँ से दिखाते हैं। सामने आप यहाँ पे देख रहे हो बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, बाबा मंदिर है, और ये जो आरती होती है ये माता पार्वती के मंदिर में आरती होती है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सारा आरती का व्यवस्था आप देख रहे हो कैसा है। तो अभी यहाँ पे जो पंडित लोग अभी आएंगे, थोड़ी देर में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे बैठ के आरती करेंगे। ये हमारे पंडा समाज के द्वारा किया जाता है, पंडा धनलक्ष्मी के द्वारा किया जाता है रोज़ संध्या आरती। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे सेवक लगे हुए हैं, सब घी वगैरह लगाने के लिए दिया बना रहे हैं। तो ये रोज़ शाम को यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, सेवा देने के लिए आते हैं। सारे पंडित लोग आ गए हैं, अभी यहाँ पे सब अपने अपने स्थान पे बैठेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे आरती स्टार्ट होगा। जय बाबा वैजनाथ। अभी यहाँ पे देखे पंडित लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और यहाँ पे आरती जो है स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे स्क्रीन में आप देख रहे हो बाबा ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार हो रहा है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भी लगभग अभी समाप्त होने वाला है थोड़ी देर में। अगर आप लोग इस श्रृंगार और आरती एक साथ देखना चाहते हो तो आप यहाँ आंगन में प्रांगण में खड़ा हो जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में श्रृंगार भी दिखेगा और यहाँ पे आरती भी आप लोगों को दिखेगा। जय बाबा वैजनाथ, हर हर महादेव।
आरती जो है यहाँ पे हो चुका है और यहाँ पे देखिए सब कोई जो है आरती ले रहे हैं और अभी भी बाकी है बहुत कम। यहाँ पे आरती के अलावा सिर्फ मतलब कि आरती नहीं दिखाया जाता है और भी बहुत कुछ बाबा बैद्यनाथ को दिखाया जाता है ज्योतिर्लिंग में। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ लग चुका है, रोज संध्या को ऐसे ही यहाँ पे भीड़ लगता है और सावन के मेले में तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होता है, उसमें यहाँ पे खड़ा रहने का भी जगह नहीं मिलता है। अगर आप लोग यहाँ बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आना चाह रहे हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो कि यहाँ पे कैसे पूजा किया जाता है, कैसे दर्शन किया जाता है, तो आप लोगों को हम यहाँ पे दर्शन पूजा सब कुछ कराएंगे। जय बाबा बैद्यनाथ, सबका मनोकामना पूर्ण करें, सब कुछ निराय रखे, हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। यहाँ पे जो है महासंध्या आरती जो है अभी समाप्त हो चुका है, ये पूरा आधा घंटे का आरती चल रहा था जो कि यहाँ पे समाप्त हो चुका है। चलिए आप लोगों को अभी जाते हैं बाबा बैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग का आप लोगों को दर्शन कराएंगे, जो कि श्रृंगार पूजा समाप्त हो चुका है, अभी आप लोगों को अंदर जाके दर्शन करा के वीडियो को वहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो संध्या आरती के बाद जो है प्रसाद दिया जाता है, यहाँ पे बटता है, जो यहाँ पे भोग लगता है उसी को सब कोई प्रसाद के रूप में लेके जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब कोई प्रसाद के लिए यहाँ पे खड़े हैं और अभी यहाँ पे इलायची का दाना फाड़ा जाएगा, जो कि यहाँ पे भोग लगता है उसी को सबको यहाँ पे प्रसाद दिया जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे
हर हर महादेव। यहाँ पे आप लोग देखो बाबा वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार पूजा हो चुका है, आप लोग दर्शन कर ले। श्रृंगार पूजा होने के बाद ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पे, हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। सब कोई इधर से अंदर आके ऐसे यूँ घूमते हुए दर्शन करके सब कोई फिर एक ही रास्ता से, यही रास्ता से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दरवाज़ा है, एक ही दरवाजे से अंदर आना भी होता है और बाहर जाना भी होता है। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव, सबका मनोकामना पूर्ण करे, सबको दीर्घायु रखे, हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। आप लोग मेरे वीडियो में हर हर महादेव कमेंट करो और मेरे वीडियो को लाइक करो। अगर आरती वाला वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करो और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो भी हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके यहाँ पे दर्शन पूजा के लिए। हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग हर वीडियो में हम दिखाते हैं कि यहाँ से एंट्रेंस है बाबा वैद्यनाथ मंदिर जाने के लिए, मंदिर के अंदर में, और इसको जो बोला जाता है इसको मंजिला खंड बोला जाता है। आप देख सकते हो आज भी यहाँ पे जो है पुराना ही कालीगिरी है, आज कुछ नहीं बदला गया, वही पत्थर और वही चीज़ है आज भी यहाँ पे, इसमें कुछ किया नहीं गया है एक्स्ट्रा, बस हल्का सा इसको कलर कर दिया गया है, और जो पहले पत्थर विश्वकर्मा भगवान बैठा के गए थे वही पत्थर आज भी यहाँ पे स्थित है। ना पत्थर में कुछ तोड़ा गया है, ना कुछ फोड़ा गया है, वही पत्थर पे आज भी जो है मंदिर खड़ा है। तो अभी भी जो है श्रद्धालु लोगों का आना यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से लाइन लग के सब कोई ऐसे ये दरवाजे से सब कोई अंदर जाते हैं और वैसे घूम के दर्शन करके सब कोई निकल के यहाँ पे निकास द्वार है, इधर से यहाँ पे सब कोई बाहर चले जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का, आरती का, और बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का आप लोगों को दर्शन कराएँ। कभी आपको अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि बाबा वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार पूजा कैसे होता है, तो उसको हम आप लोगों को शूट करके दिखाएंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। तो जाने से पहले आप लोग मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम, जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव।